अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने आखिरकार उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। किशोरी लाल शर्मा को इस सीट से पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। लंबी खींचतान के बाद गांधी परिवार के भरोसेमंद चेहरे को पार्टी ने परंपरागत सीट दे दी है। केएल शर्मा के सामने अब स्मृति ईरानी की चुनौती से निपटने का टास्क होगा। करीब चार दशक से रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर केएल शर्मा गांधी परिवार के चेहरे के तौर पर मौजूद रहे। तो हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव। क्या इसका असर नहीं दिखेगा कि आखिरी समय में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्शन पे असर दिखेगा ना इसका? नहीं, मेरे को नहीं पता था कि आप प्रत्याशी बनेंगे। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि तो हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव। क्या इसका असर नहीं दिखेगा कि आखिरी समय में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्शन पे असर दिखेगा ना इसका? नहीं, मेरे को नहीं पता था कि आप प्रत्याशी बनेंगे। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने आखिरकार उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। किशोरी लाल शर्मा को इस सीट से पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अनुराग, केएल शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ अपडेट सामने है? ये लुधियाना के रहने वाले और काफी लंबे समय से गांधी परिवार से करीबी रहे हैं। किशोरी लाल को सोनिया का चालक भी कहा जाता है, तो ऐसे में जो रायबरेली और अमेठी का जिम्मा संभालते रहे काफी समय से, और जो यहाँ के बड़े रणनीतिकार भी कहे गए हैं केएल शर्मा ने जिस तरीके से पर्चा दाखिल किया है, तो ऐसे में जो बीजेपी से प्रत्याशी है अमेठी से स्मृति ईरानी, उनका मुकाबला केएल शर्मा से है। और केएल शर्मा अब क्या कुछ आगे रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो सोनिया गांधी को जिताते रहे हैं, क्या अमेठी से वो कांग्रेस को जिता पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही केएल शर्मा का कद जो है कांग्रेस में काफी बड़ा माना जाता रहा है, लेकिन जब बात हो रही थी कि अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की खोज चल रही थी, तो केएल शर्मा का नाम कहीं नहीं था, लेकिन पिछले 24 घंटे में काफी उठापटक के बाद केएल शर्मा का नाम फाइनल किया गया और उन्हें अमेठी भेज दिया गया। अमेठी से चुनाव लड़ते थे राहुल गांधी, जो खुद रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सेफ सीट मानी जा रही है कांग्रेस परिवार के लिए। ऐसे में केएल शर्मा क्या स्मृति ईरानी का मुकाबला कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन केएल शर्मा अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं अमेठी से। अमेठी में भी उनके नाम के जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनके बैनर पोस्टर दिख रहे हैं, तो जाहिर तौर पे केएल शर्मा बड़े चेहरे के तौर पर अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा क्या सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पे, राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पे केएल शर्मा ये सीट निकाल पाते हैं, क्योंकि अमेठी की जनता काफी उम्मीद रखती है गांधी परिवार से, और गांधी परिवार से ही किसी को आना था, लेकिन इस बार केएल शर्मा के नाम फाइनल किया गया, तो ऐसे में ये भी देखना होगा केएल शर्मा के नाम पे कितना वोट वहां पे इकट्ठा कर पाते हैं केएल शर्मा। जी अनुराग, किस रणनीति के तहत कांग्रेस ने केएल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा है? देखिए, अमेठी और रायबरेली दो सीटें गांधी परिवार की सीटें मानी जाती रही, जिसपे काफी मंथन चलता रहा। केंद्रीय चुनाव समिति जो है कांग्रेस की, वो इस पे काफी मंथन करती रही, और ये तय करना मल्लिकार्जुन खड़गे के पास चला गया कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा। अमेठी की बात की जाए, अमेठी से पहले राहुल गांधी का नाम चल रहा था और रायबरेली से प्रियंका गांधी का, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने में कहीं भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आई, कोई उनकी ये प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो चुनाव लड़ना भी चाहती हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार जरूर करती है कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर, लेकिन उनका नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी की संसदीय सीट रही है रायबरेली, तो उस सीट पर भी गांधी परिवार का काफी बड़ा कब्जा रहा है, तो ऐसे में अब राहुल गांधी चूंकि वायनाड से चुनाव लड़ते रहे हैं, अब वो वापस आए हैं, तो रायबरेली से इस बार पर्चा दाखिल किया है,
तो अमेठी की सीट पर कांग्रेस अब किसको उतारती, इसको लेकर काफी मंथन हुआ। ये कहा गया कि प्रियंका गांधी या फिर सीना कौन के परिवार से आशीष कौल का नाम भी इसमें आ सकता है, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम सामने नहीं आया। और आखिरी मोमेंट पे जिस तरीके से केएल शर्मा का नाम फाइनल किया गया, तो केएल शर्मा ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी अब ये कड़ा मुकाबला होगा कि क्या वो केएल शर्मा के लिए रणनीति तैयार करते हैं, और केएल शर्मा जो अब तक सोनिया गांधी को जिताते रहे हैं, अपने खुद के लिए किस तरीके से चुनाव प्रचार में उतरेंगे, कैसे वहां पर स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगे, क्योंकि 2019 से। अनुराग, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के बागी